नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एएसपी टेक्निकल सर्जी में स्वागत है। जैसा कि हम बताएं दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें आप लोग अप्लाइड केमिस्ट्री जो सिलेबस में है उस अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से इसमें चैप्टर्स हैं जो कि 11th 12th से जुड़े आप लोगों के चैप्टर्स थे जो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं। इन सब के बारे में आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उससे पहले मैं चाहूंगा जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि हम जो भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए दोस्तों, हम बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आप लोग दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर। सबको दिख रहा होगा कि अप्लाइड केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं इसके इसमें चैप्टर कौन कौन से हैं। तो एक तरफ लिखा हुआ है अध्याय और एक तरफ लिखा हुआ है चैप्टर, यानी हिंदी हिंदी वालों के लिए अध्याय है और इंग्लिश वालों के लिए चैप्टर। आपको आप सबको पता होगा कि अध्याय और चैप्टर दोनों एक ही चीज होता है, बस हिंदी में लिखा होता है अध्याय और इंग्लिश में लिखा होता है चैप्टर। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पहला कौन सा है। पहला आपका है परमाणु संरचना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और यही हम दूसरा देखें तो रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग। और हम तीसरा देखें तो तत्वों का वर्गीकरण, यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। और चौथा देखें द्रव्य की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर। और हम पांचवा देखें तो ईंधन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फ्यूल। और छठवां देखें तो स्नेहक, इंग्लिश क्या बोलते हैं, लुब्रिकेंट्स। और सातवां देखें तो जल उपचार, वाटर ट्रीटमेंट। और आप लोग का जो आठवां है विद्युत रसायन, इंग्लिश क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आपका जो नौवां है संक्षारण तथा इसका नियंत्रण, इंग्लिश में कहते हैं कोरोजन एंड इट्स कंट्रोल। और आपका जो दसवां है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो आपका ग्यारहवां और लास्ट है बहुलक, यानी कि पॉलीमर। तो मैं आप सभी को बताऊं दोस्तों कि जैसा कि आप सभी ने देख लिया कि आप लोगों को अप्लाइड केमिस्ट्री में 11 चैप्टर पढ़ने हैं। अब इन्हीं 11 चैप्टर जो आप लोगों को पढ़ने हैं, यही 11 चैप्टर आप लोग पिछले कक्षा में पढ़ कर आए हैं, यानी जो 11th 12th पढ़ कर आए हैं वो ये सब चीजें पढ़ कर आए हैं। 11th 12th में यही सारी की सारी सिलेबस आपकी हैं, चाहे कोई सा भी देख लीजिए चैप्टर, आपका सारा सारा चैप्टर 11th 12th में मिलेगा। यानी जो अच्छे से पढ़ का 11th 12th उनको केमिस्ट्री में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं बता दूं उनको कि जो ये अप्लाइड केमिस्ट्री का जो इसमें है आप लोगों के लिए, ये सब आप लोग का 11th 12th का ही है। और हाँ दोस्तों, मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, यदि जो भी लोग चाहते हैं कि इसका मुझे PDF में फाइल में मिल जाए तो वो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करते, मैं अपने चैनल टेलीग्राम पर आप लोगों को जा करके वहाँ पर PDF फाइल में दे दूंगा। तो मेरा टेलीग्राम जो चैनल आप लोग को मैं लिंक में दे दे रहा हूँ, आप लोग जाके वहाँ से हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।